हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेन तारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नाउ टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 11 चैप्टर्स एंड आई एम अगेन सो हैप्पी टू सी यू ऑल राइट एंड होप यू आर ऑल्सो हैप्पी टू सी मी। नहीं तो आपको लगेगा रोज आ जाते सुबह सुबह 8 बजे और मम्मी पापा फोर्सफुली हमको बिठाते हैं, चलो कोर्स करो, गीता पढ़ो गीता पढ़ो। हाँ, इज इट ट्रू? डज योर मदर एंड फादर फोर्स यू टू स्टडी गीता और यू आर विलिंगली कमिंग हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू कमिंग हियर विलिंगली और somebody is forcing you? Get up, सुबह उठो, जल्दी उठो, चलो गीता क्लास में बैठो, गीता क्लास में बैठो। और एक्चुअली आर यू एंजॉइंग हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू रियली एंजॉइंग और इट्स गेटिंग लिटरली बोर? Amazing! Oh, superb! Thank you very much. Let's go ahead. Okay. So today we are going to discuss a 12th chapter, and 12th chapter name is Bhakti Yoga, right? Devotional service. And Krishna is telling what should we do if we want to make Krishna happy. Now in this picture you can see there is a person who is offering a food and then he is prostrating himself in front of the god, right? There are Radha Krishna and that person is offering some bhoga and then he is offering his dandavat, right? So this is devotional service, right? Manmana bhava mad bhakto madhya jimam namaskuru, jo bhi Krishna ne bataya Gita mein उसको फॉलो करना मतलब डिवोशनल सर्विस। एंड वी सी दैट एवरीवेयर कृष्णा हैज सेड सो मेनी थिंग्स ही हैज एक्सप्लेन्ड, बट एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर ही इज टेलिंग भक्ति करो। जैसे 6th चैप्टर में हमने देखा ध्यान योग, चैप्टर का नाम है ध्यान योग, ध्यान करना है, जंगल में जाना है और नाक की तरफ देखना है ऐसे, और अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, राइट? But at the end of the 6th chapter, he says, Yoginam api sarvesham madgate antaratmana shraddhavan bhajate yomam samyukta tamamata। जो भी मेरी श्रद्धा से पूजा करता है वह सबसे अच्छा योगी है, जो भी मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है वही योगी है, कृष्णा इज टेलिंग, राइट? तो सब चैप्टर्स के कंक्लूजन में भगवान ने बता दिया कि केवल आप भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, ये सारी उलझन में मत आप पढ़ो। एंड एट द एंड ऑफ 11th चैप्टर, राइट, जो हमने कल कंप्लीट किया, कृष्ण ने क्या बताया? जो भी आप मेरा फॉर्म देख रहे हैं अभी, राइट, ये विश्वरूप है, ये चतुर्भुज फॉर्म है, अभी मैं कृष्ण के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं ना अर्जुन, न दाने न तपसा, ये ना दान देने से, ना वेद पढ़ने से, ना कुछ अध्ययन करने से, ना तपस्या करने से, कुछ भी आप करो परंतु ये फॉर्म आपको दिखेगा नहीं। तो कैसे दिखेगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, कृष्ण ने 11th चैप्टर में बोल दिया, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली डिवोशनल सर्विस, राइट? देयर आर मेनी पीपल, they, you know, find out different conclusions from Bhagavad Gita, right? अलग-अलग conclusion निकालते हैं, मतलब कुछ भी conclusion निकालते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण जो थे वो एक historical person थे, मतलब एक राजा थे बस, भगवान वगैरह नहीं थे। कोई कहता है कृष्ण की भक्ति आपको किसने बताया, कृष्ण की भक्ति नहीं करनी है, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे गीता में बताया? अरे इतनी बार तो गीता में बताया हर जगह, अब ये तो कृष्ण बता रहे भक्ति करो भक्ति करो। एंड जो कहते हैं कि कृष्ण के हिस्टोरिकल थे तो विश्वरूप कैसे दिखाया, राइट? एंड इफ यू सी इन द 10th चैप्टर कृष्णा अर्जुन इज टेलिंग कि कृष्णा जो आप बोल रहे हैं ना वो सच में है,
क्योंकि मैं यही बात अलग 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 ऋषि मुनि से भी यही सुना हूँ, नारद मुनि से यही सुना हूँ, असित मुनि से यही सुना हूँ, देवल एंड व्यास, ये सब यही चीज बोलते हैं कि आप भगवान हैं। इसलिए मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप भगवान हैं, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, ठीक है। तो हमको चीजें ब्लाइंडली नहीं लेनी है, राइट। मतलब बस ऐसे अंधश्रद्धा कहते हैं ना, ब्लाइंड बिलीफ, कि ऐसा हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं तो करो, नहीं हमको लॉजिकल भी करना है, राइट। एंड यू सी दैट अर्जुन ने खुद भगवान का विश्वरूप देखा और बाकी सारे ऋषि मुनियों से भी सुना कि सच में कृष्णा जो है ना भगवान है, उनकी भक्ति ही परम है। Then that's why he is saying, कि आप ही सत्य है। In the 15th chapter, we will more discuss about these things. So, we saw that in every chapter, Krishna is emphasizing, bhakti karo, bhakti karo, bhakti karo, yesa karo, vaisa karo, bhakti karo. And this goes on, abhi 12th chapter mein to Krishna ne bata hi diya hai ki aapko bhakti hi karna hai, right? And 13th chapter, 14th, 15th, 16th, jo bhi upcoming chapters hai, aap usme dekhenge, Krishna baar baar emphasis kar rahe hai ki bhakti karni chahiye, aapko bhakti karni chahiye. राइट और हमने अंबरीश महाराज के एग्जाम्पल से देखा भक्ति करना मतलब क्या, ऋषि के न ऋषि केश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों को एंगेजिंग अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा इज भक्ति, राइट। टू वर्शिपिंग कृष्णा इज भक्ति, टू सीइंग कृष्णा इज भक्ति, टू स्मेलिंग फ्लावर्स ऑफर्ड टू कृष्णा इज भक्ति, टू ईटिंग फूड ऑफर्ड टू कृष्णा इज भक्ति, राइट। Offering obeisances to Krishna is bhakti. So bhakti is very, very simple. You need not to go somewhere and then that will call as bhakti. Aap jungle mein jao aur tabhi bhakti ho gaya, aisa nahi hai. By staying at your home, by doing your studies, by doing your job, by doing your cooking, whatever things you do, you just do that things for Krishna. Yat karoshi, in the 9th chapter Krishna spoke, yat karoshi, jo bhi aap karenge, yad ashnasi, jo bhi aap khayenge, yat juhosi, jiska bhi aap yagya karenge, jiske liye bhi aap yagya karenge, dadasi, kuch bhi aap daan denge, right? Dete na hum daan, gareeb ko daan dete, kapde hamare daan mein dete, right? Dene chahiye. Par Krishna keh rahe ki wo mere liye karo matlab आप उससे फल की अपेक्षा मत करो कि मुझे ये कुछ मिलेगा इससे, नहीं, यू जस्ट गिव हिम, राइट। यत तपस्यसी, जिसकी भी आप तपस्या करेंगे, कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम, जो भी आप कुछ करेंगे मेरे लिए करो, मेरे को अर्पण करो उसका फल, राइट। एंड इन द 9th चैप्टर वी आल्सो सॉ हाउ कृष्णा वाज टेलिंग यू शुड ऑफर भोगा टू मी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति ततहं भक्ति उपरीतम अश्नामि परयतात्मनः। आई सी द डिवोशनल सर्विस, आई सी द डिवोशन इन द हार्ट ऑफ यू एंड देन आई ईट दैट फूड। कृष्ण डजंट से दैट आई सी दैट फूड, ही सेज आई ईट अश्नामि, मैं प्रसाद खा लेता हूँ, आप जो भी मुझे दिखाते हैं मैं खा लेता हूँ और उसको शुद्धिकरण करवा देता हूँ, राइट। तो कृष्ण ने दो बार बोला है इसके लिए, प्रसाद के लिए, तीसरे चैप्टर में बोला यज्ञ शिष्टा सेना संत और यहाँ पे बोला। तो प्रसाद ऑफर करना भी एक भक्ति है, तो आप रोज करिए उसको। एंड एज आई वाज टेलिंग इन द 9th चैप्टर, सुखम कर्तुम अव्ययम यू विल फील हैप्पीनेस, राइट, यू विल फील हैप्पीनेस, यू विल रिजॉइस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस 12th चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट कृष्णा wants to tell us, right? Let's go ahead. Arjuna uvacha evam satat yuktaye bhaktasvam paryupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittama. Krishna, mere ko bataiye, Krishna, please tell me who's perfect. There are many people who tell that God does not have form. God is avyakta, God is nirakar, God doesn't have any form, right? God is just light, right? There are people who say God is just light and he comes sometimes in the human form. But no, what Krishna is telling, listen here. So Arjuna asked, what should I worship? Should I worship nirakar,
जिसको कुछ फॉर्म नहीं है, राइट, जिसको कुछ आकार नहीं है। जैसे कोई कहते हैं ना, भगवान केवल एक लाइट है, भगवान को कुछ आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है भगवान को, निराकार, केवल एक भगवान ही केवल सत्य है, भगवान केवल एक लाइट है, ऐसे कहते हैं। तो अर्जुन पूछते, भगवान सच में ये बात है क्या कि कौन सबसे अच्छा है, सबसे परफेक्ट है, जो आपकी निराकार रूप की प्रार्थना करता है कि आपकी साकार रूप से प्रार्थना करता है। साकार रूप का मतलब होता है कि मंदिर में जो आप विग्रह देखते हैं, जिसको आकार है, आकार है, उसकी पूजा करता है, वो सबसे बेहतर है, क्या क्या लगता है आपको? You can see there are two kinds of people. They say that एक कहते हैं कि नहीं, भगवान को आकार है, भगवान को रूप है, right? और एक कहते हैं कि नहीं, भगवान निराकार है, पर जब ना आवश्यकता पड़ती है तो वो रूप लेते हैं, right? और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो रूप लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। ऐसा है कि भगवान को हमेशा के लिए रूप है? तो let's see what Krishna is saying. So, जैसे मैंने बताया, कोई कहता है कि भगवान केवल एक लाइट है, तो कोई कहता है भगवान को एक स्वरूप है, फॉर्म है। कृष्ण कहते हैं अमेजिंग, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयो पेता तेमे युक्त तमामता। ही इज द बेस्ट। हु इज द बेस्ट? जो मेरी साकार रूप से पूजा करता है, मैया विश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, दोज हु फिक्स देयर माइंड ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड ऑलवेज वर्शिप मी, नित्य युक्ता उपासते, मेरी साकार रूप की, मेरी मूर्ति की पूजा करता है, जो समझता है कि मुझे एक आकार है, राइट, वही सबसे बेस्ट है। यू नो, आई विल टेल यू वन स्टोरी दैट One of the sadhu, he was traveling in the plane. तो ना travel कर रहे थे plane से, साधु थे, कहाँ जाना था उनको, और उनके बाजू में ना एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा था। कौन बैठा था? मुस्लिम व्यक्ति बैठा था। और इस मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा, जब plane start हुआ तो मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा कि ये साधु दिख रहा है, पूछते इसे कुछ, देखते कितना आता है। लेकिन उसने पूछा कि साधु मुझे एक बताइए कि आप ये भगवान को आप विश्वास करते कि भगवान का एक आकार है, राइट? पर हमारे कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे कुरान में लिखा है कि भगवान को कुछ आकार विकार नहीं होता, भगवान केवल एक लाइट है, लाइट ऐसे निराकार है, उनको कुछ आकार नहीं होता, राइट? तो साधु ने कहा, हाँ और क्या बताया? तो ही वाज टेलिंग कि ऐसा है, हमने सुना है भगवान को, पर आप आपके पास तो मूर्ति होती है, भगवान को आप लिमिट कर देते हैं एक मूर्ति के अंदर, राइट? तो ये कैसा लगता है आपको? देन ही सेड दैट डू यू प्रे टू गॉड? That Muslim man said, yes, I always pray to God. हम पांच बार नमाज पढ़ते हैं, right? आपने देखा होगा वो नमाज पढ़ते ऐसे। Then he asked, साधु asked, तो आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं? He said, of course, प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। Then साधु asked, तो आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं? He said, yes, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं। तो भगवान यदि प्रार्थना सुनते हैं, इसका मतलब उसको कान है। भगवान यदि आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, मतलब उनको कान है। सीरियस? तो भगवान को कान है, मतलब भगवान को चेहरा भी होगा ना, कान थोड़ी ऐसे हवा में लटकेंगे, राइट? कान हवा में लटकेंगे कैसे? नहीं, चेहरा है ये। बोला, हाँ लॉजिकल लग रहा है। तो यदि भगवान को चेहरा है, मतलब भगवान को शरीर भी है ना। Then he realized, अरे हाँ, भगवान को फॉर्म है। यदि फॉर्म ही नहीं होगा तो हमारे भोग का वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यदि फॉर्म ही नहीं होगा तो प्रसाद कैसे, वो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे, हमारी इच्छा कैसे पूरी करेंगे? तो भगवान को फॉर्म भी है और भगवान को फॉर्म भी नहीं है। जो हमने ब्रह्म ज्योति देखा ना, ब्रह्म ज्योति,
राइट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटीरियल वर्ल्ड, जिसके बीच में ब्रह्म ज्योति है, वो है भगवान का फॉर्मलेसनेस। वहां पे कुछ भी फॉर्म नहीं होता भगवान का, पर भगवान जब वैकुंठ में जाते हैं तो एक फॉर्म ले लेते हैं, उनका एक फॉर्म है, उनकी एक आकृति है, उनका एक शरीर है खुद का, राइट। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को शरीर नहीं है। जैसे बाइबल में भी कहा गया है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, दैट मीन्स गॉड हैड इमेज, राइट। भगवान की इमेज थी, भगवान का एक रूप था, इसलिए तो मनुष्य को बनाया ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना कि मनुष्य को भगवान के जैसे बनाया है, तो भगवान को भी हमारे, हमको भी भगवान के जैसा फॉर्म है, राइट। तो हमको कभी सोचना नहीं चाहिए कि भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान को हमेशा फॉर्म है। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, भगवान को एक शरीर है, परंतु वो शरीर हमारी तरह नहीं है। भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान को शरीर है, परंतु वो जो शरीर है हमारी तरह साधारण नहीं है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड फिल्ड विथ इटर्निटी। मतलब ऐसे कभी शरीर वो नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, हमेशा आनंदमय रहता है। इसलिए आप कृष्ण को देखेंगे हमेशा आनंदी है। कभी आपने देखा कैसे बैठे हैं? नहीं, कृष्ण इज आनंद, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण है, राइट। ऐसे कहते हैं, आपने वो इमेज देखा होगा कि किस प्रकार से गर्भोदकशायी विष्णु के नेवल से ब्रह्मा जी आते हैं, राइट। और ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी वॉज फर्स्टली कंफ्यूज्ड कि मैं कहाँ पे आ गया, मेरा जन्म कहाँ पे हुआ है, मैं कौन हूँ, क्योंकि सभी तरह अंधेरा था। तो ब्रह्मा जी उस स्टेम के वो ढूंढते ढूंढते वो आते हैं और भगवान विष्णु तक पहुंचते, तो उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु सारे कारणों के कारण है। देन ही राइट्स दिस ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, बहुत बड़ा ग्रंथ था। आज आई थिंक केवल 20-25 श्लोक बचे हैं, क्योंकि जब तक्षशिला के ऊपर आक्रमण कर दिया था सारे मुगलों ने, तो ये सारी ब्रह्म संहिता को जला दिया था। बहुत बड़ी किताब थी और ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिखा था उसके अंदर। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिखा था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, सारी चीजें उसमें लिखी थी। और आज केवल हमें 25-26 श्लोक मिलते हैं। बहुत बड़ी संहिता थी ब्रह्म संहिता, बहुत सारे पुस्तक जलाए गए थे, राइट। जब तक्षशिला को जलाया गया तो हमारे पास नहीं है अभी अवेलेबल वो, पर उस ब्रह्म संहिता में बताया गया था कि किस कौन सी लीला भगवान गोलोक में करते थे। आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे ना कि गोलोक वृंदावन में क्या होता है, वैकुंठ में क्या होता है, तो ब्रह्मा जी ने जो भी कुछ देखा था उसका सारा वर्णन उन्होंने ब्रह्म संहिता में किया था। बहुत सुंदर पुस्तक है ब्रह्म संहिता। जो भी कुछ श्लोक बचे हैं वो भी बहुत सुंदर है। और एक श्लोक ऐसा है कि अंगानियस सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उस गोविंद की शरण लेता हूँ, मैं उस कृष्ण की शरण लेता हूँ जो अपनी एक इंद्रिया से बाकी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते कि कृष्ण खाते कैसे, प्रसाद तो वैसे ही है, तो उसका उत्तर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में देते हैं। वो कहते हैं कृष्ण अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, कृष्ण अपनी आंखों से सूंघ भी सकते हैं, कृष्ण अपनी आंखों से आवाज भी सुन सकते हैं। अंगानियस सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, मतलब उनका जो एक अंग है वो सारे अंगों के काम कर सकता है। क्या हमारी आंखें खा सकती है? हमेशा प्रसाद कुछ खाने जाएंगे, जाएगा खा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है वो संपूर्ण नहीं है, नहीं। क्या हमारे मुंह से हम देख सकते हैं? नहीं, पर कृष्ण का ऐसे नहीं होता। अंगानियस सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनकी जो एक इंद्रिया है वो सारी इंद्रियों का काम करती है, राइट। वो आंखों से देख भी सकते हैं परंतु सुन भी सकते हैं। तो जब हम भोग अर्पण करते हैं भगवान को, तो केवल वो अपने दृष्टि मात्र से, केवल दृष्टि डालने से ही वो भोग को खा लेते हैं, राइट।
लेट्स गो अहेड. तो भगवान को एक फॉर्म है राइट, और ये है उनका फॉर्म. तो हम कभी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि सच में इस पत्थर में भगवान है क्या. तो एक कॉमन सेंस का उत्तर है कि जिस प्रकार से भगवान सभी जगह पे है तो यहाँ पे भी होंगे ना. भगवान सभी जगह पे है तो पत्थर में भी होंगे राइट. परंतु इसका और अच्छा एक आंसर ये है कि हाँ, भगवान पत्थर की मूर्ति में भी एंटर करते हैं जब हम उनको मंत्र से भारित करते हैं. यदि आपने देखा होगा, मैं आपको एक जबरदस्त वीडियो भेजूंगा, डीटी इंस्टॉलेशन का वीडियो होता है. हाँ, तो जब मूर्तियां बनाई जाती है और जब मंदिर में लाती है तो उनके ऊपर अभिषेक होता है, मंत्रोच्चार करते हैं, और मंत्रोच्चार के बाद उनमें प्राण संचार किया जाता है. एक मंत्र कहते हैं और उस मंत्र से एक दर्भ की काड़ी होती है, एक स्टिक होती है राइट, घास की एक काड़ी होती है. उस घास की काड़ी से भगवान के हर एक अंग को स्पर्श किया जाता है और मंत्र उच्चारण किया जाता है. और उससे ऐसे कहते हैं कि भगवान के शरीर में जो मूर्ति है उसके उसमें भगवान आ जाते हैं राइट. और इससे आप देखिए ना, जब भी आप मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना कीजिए, भगवान किसी ना किसी रूप से आपकी मदद जरूर करेंगे. तो हमें यह पता चलता है कि ये मूर्ति नहीं है. मूर्ति ना ही तुम्हें साक्षात प्रजेंद्र नंदन, यू आर नॉट डीटी माय डियर लॉर्ड. हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, ये भगवान हमारे सामने खड़े हैं राइट. और हम इनसे जो भी कुछ प्रार्थना करेंगे ये फुलफिल करेंगे राइट. तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी एक फॉर्म के रूप में पूजा करता है, एक आकार के रूप में पूजा करता है, उसके लिए भक्ति साधारण है. उसको क्या करना है, इस मूर्ति के सामने, इस विग्रह के सामने नमस्कार करना है, भोग दिखाना है राइट. जो व्यक्ति निराकार की पूजा करता है वो भोग किधर दिखाएगा, हवे में रखेगा कि भगवान इसका इसको खा लो राइट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. और इसलिए कृष्ण कहता है यही चैप्टर में कि जो व्यक्ति निराकार की प्रार्थना करता है उसे बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं. निराकार की जो पूजा करता है, जो समझता है कि भगवान को कुछ आकार नहीं है, कुछ रूप नहीं है, केवल एक लाइट है, तो उसे बहुत परेशानियां होती है. परंतु सबसे बेस्ट क्या है कि आप अर्चा विग्रहों की पूजा करिए राइट. कोई कहता है इस अर्चा विग्रहों की पूजा करेंगे तो वी आर लिमिटिंग कृष्णा इन द डीटी. नो, कृष्णा इज लिमिटलेस. सर्वतः पाणिपादं तं, सर्वतः क्षिशिरोमुखं. सब जगह पे मेरी आंख है, सब जगह पे मेरे पैर है, सब जगह पे मेरे कान है राइट. तो ऑल्दो कृष्णा इज प्रेजेंट इन द डीटी, इज प्रेजेंट एवरीवेयर राइट. जैसे एक उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से हवा तो सब जगह पे है, परंतु यदि आपको आपके टायर में हवा भरनी है तो क्या आप ऐसे हवा में रखेंगे क्या टायर को? नहीं, आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, जहां पे वो हवा डालते हैं राइट, कंप्रेसर के पास जाना पड़ता है कि नहीं. उसी प्रकार से भगवान सब जगह पे है. लेकिन यदि आपको प्रार्थना करनी है, यदि आपको कुछ भोग दिखाना है, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो घर को एक मंदिर बना दीजिए राइट. लाला की सेवा, कृष्ण की सेवा शुरू कर दीजिए. ठीक है, लेट्स गो अहेड. नाउ सी व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस. व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस, क्या चाहिए कृष्ण को हमसे. अभी कृष्ण सब बता रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, दिस 12 चैप्टर इसको हर रोज पढ़ना चाहिए. इट्स लाइक अ लॉ बुक कि क्या करना है मुझे, क्या करना है, क्या करना है. सब भगवान ने बताया कि मेरा कौन सा भक्त है जो मुझे प्रिय होता है. तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, सन्नियमेन्द्रिया ग्रामम सर्वत्र समभूदय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः. सर्वभूत हिते रतः. जो व्यक्ति, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि भक्ति का गलत अर्थ बहुत लोग निकाल लेते हैं. जैसे हम कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, तो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं बाकी सबकी सेवा छोड़ देते. माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जो गरीब है, दुखी है, उसकी उनकी सेवा नहीं करेंगे, दान धर्म करना छोड़ देंगे. तो दिस इज नॉट भक्ति एक्चुअली. और कृष्ण ने तो कह दिया ना
कि दान धर्म भी करना है, सब कुछ करना है आपको और भक्ति भी करना है। परंतु कुछ कुछ लोग भक्ति का गलत अर्थ लेते, वो कहते हैं कि केवल मैं एक जगह पे बैठूंगा, नहीं आपको सबकी सेवा भी करनी है। देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रतः, सबकी सेवा करनी है। सर्वभूत हिते रतः, यहाँ पे ये ऐसे नहीं कहा सर्व भारतीय हिते रतः, सारे जो भारतीय उनकी सेवा करो, नहीं सर्वभूत जो भी लिविंग एंटिटीज है इस जगत में उनकी सेवा करने की कोशिश करो, राइट। ऐसे मत देखो कि ये मेरा मित्र है ना उसकी मैं मदद करूंगा, ये मेरा दुश्मन है इसको नहीं दूंगा कुछ भी, नहीं सबकी सेवा करनी पड़ेगी आपको कृष्ण को खुश करना है तो। सर्वत्र समबुद्धयः, सब जगह पे वो समान बुद्धि से देखता है, ऐसे नहीं देखता कि यहाँ पे बहुत सारी खुशी है यहाँ पे दुख है, नहीं He is in equilibrium state of his mind, right? Sannamendriya gramam, his senses are very much controlled. And then, te prapnuvanti mameva, such a person will attain me. This is the Jagannath Puri, right? I will tell you one amazing story of Sarva Bhuta Hite Rataha regarding this, right? I don't know exact story, but let's try. So, सर्वभूत ही रहता, सबकी आपको सेवा करनी है और तभी भगवान खुश होंगे, राइट। सो दिस जगन्नाथपुरी एंड यू कैन सी सो मेनी पीपल हैव कम हियर, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेवास यू नो दे टेक प्लेस इन जगन्नाथपुरी। इतने सारे लोग आते तो उतने सारे लोगों को खाना भी खिलाना पड़ेगा ना। एक स्टोरी बताता हूं इसके बारे में। एक बार की बात है, यू नो एक राजा था, I think he was not Raja, he was a businessman, big businessman. जमींदार था बड़ा, और उसका एक servant था, नौकर था उसका, और नौकर काफी गरीब था, जो भी कुछ मिलता था इस जमींदार की सेवा करके उसमें खुश था। तो उसने कहा जमींदार से कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, दर्शन करने हैं, अभी रथ यात्रा आ रही है, राइट। और रथ यात्रा के बारे में हमने देखा वो सब वीडियो एंड ऑल, आई होप यू हैव सीन दैट, राइट, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, राइट। और हमने काफी स्टोरीज भी स्टडी की, जैसे अर्जुन पांडा जी की हमने स्टोरी ली, गीता पांडा उन्हें कहते थे, एंड देन वी स्टडीड अबाउट साल बेग, राइट। आई होप यू रिमेम्बर ऑल द स्टोरीज, राइट, यस, गुड। सो ही सेड, जमींदार से डाले वाह आप जगन्नाथपुरी जा रहे, एक काम करिए ना, आपने ये 100 रुपया जो है मेरी तरफ से ना दान दक्षिणा कर दीजिए उसको, राइट, आप 100 रुपया दे दीजिए। Then he said, okay, मैं दे दूंगा। So he came to Jagannathpuri. He came to Jagannathpuri. Was so happy to see the God. Oh my God, he was so happy, happy. But then he saw few poor people. They were sitting outside the temple. Right? गरीब थे वो लोग. Right? यात्री थे. दूर से कहीं से आए थे, भूखे थे. और ये जो हमारा आदमी था, हाँ, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं थे. राइट उसने 100 रुपए किससे लाए थे, उसके मालिक से लाए थे जो डोनेशन देने थे मंदिर में, राइट। तो मालिक ने बोला था इस 100 रुपए को 100 रुपीज को आपको मंदिर में दान देना है, बाकी किसको मत देना। सो ही वाज थिंकिंग कि ठीक है इसको मंदिर में दान देना है, पर उससे ना रहा नहीं गया, ही फेल्ट कि इनको भी खाना खिलाना चाहिए। तो उसने क्या किया पता है, 5 रुपए का कुछ खाना खरीद के इन सारे गरीबों को, तभी 5 रुपए बहुत ज्यादा थे, अभी 5 रुपए में कुछ नहीं आता, राइट, तभी बहुत ज्यादा थे, तो 5 रुपए में सब खाना खिला दिया, राइट। जो 95 रुपीज बचे थे उस 95 रुपीज को मंदिर के हुंडी में डाल दिया और रिसिट ले लिया कि 95 रुपीज का डोनेशन है, और रिटर्न आ गया अपने गांव पे। और जब रिटर्न आया तो अपने मालिक को उन्होंने चिट्ठी दी, रिसिट दी कि 95 रुपीज का डोनेशन किया, राइट। और ये जो आदमी था जमींदार गुस्सा हो गया, उसे लगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, इस नौकर ने 5 रुपए खुद के ऊपर खर्च किए, राइट। मैंने उसे कहा था कि 100 रुपए भगवान की हुंडी में डालो, उसने केवल 95 रुपीज डाले, 95 रुपए डाले। He was so angry on him, but did not speak anything. He said, जाने दो, अभी यात्रा करके आया है, अभी बोलना अच्छा नहीं, बाद में कभी उसको डांटूंगा। Then he kept that receipt with him and he said, okay, you go.
then in the middle of the night, Lord Jagannath came in a dream. And then he said, my dear Zamindar, आपने मेरे लिए 100 रुपए भेजे थे पर मुझे केवल 5 रुपए मिले, मुझे केवल 5 रुपए मिले। अरे 5 रुपए कैसे मिले? उसने तो 95 रुपीज डाले ना हुंडी में, राइट? उसने क्या किया है, 95 रुपीज डाले हैं, तो आपको 5 रुपए कैसे मिले? देन जगन्नाथ जी सेड, यू आस्क हिम। जैसे सुबह हुई, वो नौकर आया और पहला प्रश्न जमींदार ने पूछा, हाँ भाई बताओ ये 5 रुपए कहाँ गए और 95 रुपीज कहाँ गए? देन ही वाज सो हम्बल नौकर, ही सेड, देखो मालिक, मैंने 5 रुपए का सारे गरीबों को खाना खिला दिया और 95 रुपीज का आपके पास तो रिसिट है, 95 रुपीज का मैंने डोनेशन कर दिया मंदिर के अंदर, राइट? देन जमींदार रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही रियलाइज्ड कि मैंने इस नौकर के ऊपर डाउट किया, मुझे लगा कि ये 5 रुपए खुद खा गया, परंतु ये 5 रुपए तो भगवान को मिले। जैसे ही उसने गरीबों की सेवा की, गरीब भक्तों की सेवा की, वो 5 रुपए भगवान के पास चले गए, परंतु जो 95 रुपीज थे जिसकी रिसिट फाड़ी, वो भगवान के पास अभी तक पहुंचे नहीं है। ही वॉज सो हैप्पी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो भगवान के पास इमिडिएटली वो सेवा पहुंच जाती है, राइट? इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप रिसीट मत फाड़ना, डोंट टेक इन अ निगेटिव वे। देखिए मंदिर भी सबको मदद ही करता है। आप आज देखेंगे कितने सारे मंदिर, दे आर बिल्डिंग द कोविड हॉस्पिटल्स, राइट? कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे मंदिर है जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किए हैं। तो आप ऐसे मत समझना कि मंदिर में नहीं पैसे देना है गरीबों के लिए, नो, वी हैव टू डू बोथ थिंग्स, राइट? जैसे यू नो, ओके, वो कभी स्टोरी बाद में बताऊंगा। सो वी हैव टू डू बोथ थिंग्स, हमको गरीबों की सेवा भी करनी है, हमको अपने पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो मंदिर को भी देना है, राइट? तो मंदिर भी चलता रहे, राइट? क्योंकि यदि मंदिर चलेगा, so you have to understand, just like we need hospitals, we need temples. Temple is like the hospital for soul. Our soul is also vandalized. Our soul is also a sick. Our soul is also tired. He also need some banded. He also needs some treatment. So hospital is like, temple is like a hospital for our soul. We need the hospitals where our body is taken care of, right? But we need temples also where our mind, our intelligence, our ahankar and our soul gets treated, right? And the temple priest are like the doctors, right? They tell us, ye karo, ye karo, ye karo, isse aapka jo bimari hai, atma ki bimari, वो अच्छी हो जाएगी। That's why we need temples also. Many people said, temple temple नहीं चाहिए, temple तोड़ो, पैसा आएगा उससे मंदिर बांधो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यदि हर जगह पे hospitals होंगे तो soul को reconnect कैसे करेंगे आप भगवान से? यदि soul को ही reconnect नहीं करोगे तो शांति कैसे पाओगे? शांति पानी है तो भगवान से तो reconnect करना पड़ेगा, क्योंकि soul will only become happy when he gets connected with Krishna. So sukham kartum avyayam, please remember this. Kathayanta shrimam nityam tushyanti charamanti cha. If you want to become happy, discuss about Krishna. Where you will discuss about Krishna? In the temple itself. That's why we need a temple. But bahut bar log kehte hain ki aap mandir mein kyun jaate hain, aap ye kyun karte hain, aap wo kyun karte hain, right? Then you tell them the answer that temple is like a hospital. Just like we regularly visit our family doctor. Doctor कुछ है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, pulses वगैरह सब ठीक है नहीं, कि corona वगैरह तो नहीं हुआ, देख लो doctor. Similarly, we have to go to the temple also to for regular health checkup. ठीक है. Now here Krishna is telling तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामीना चिरात पार्थ मैया विशीत चेतसाम। So he is saying that those who worship me,
दिस इज द परफेक्ट पिक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर श्लोक. तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा. सो दिस इज ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. This planet, the material manifestation is called, we saw that material world. And we have question also, Abram, Bhuvana, Loka, Punaravartina, Arjuna. In this material world, from the planet of Brahma to the lowest planet of Narak, what is the condition of the planet, all the planets? There Jiva goes and again comes back, goes and again comes back, Punaravarti, Puna Puna Janma Hota Hai, Puna Puna. वहां पे मृत्यु होती है. दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग डोंट गो टू एनी अदर प्लैनेट, जस्ट कम टू मी. सो कृष्णा इज टेलिंग दिस वर्ल्ड इज लाइक अ मृत्यु संसार सागर, एवरीवन हैज टू डाई हियर, राइट. सो इट्स लाइक अ सागर, एक बड़ा ओशन है, उसमें तैरना कितना डेंजरस होता है, कितना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग. कभी शार्क आ जाएगी, कभी टोर्नेडो आ जाएगा समंदर के अंदर, सुनामी आ जाएगी, इतना डिफिकल्ट है. बट कृष्णा सेज आप यदि मेरा स्मरण करेंगे तो समंदर की तरह जो आपको ये जगत दिख रहा है ना, भयानक मृत्यु संसार सागर, वहां से मैं आपको बाहर निकालूंगा. सी कृष्णा इज कमिंग ऑन द गरुड़ एंड ही इज लिफ्टिंग हिज डिवोटी. भवामी नाचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, मैया वेशित चेतसाम. चेतसाम मीन्स माइंड, कॉन्शियसनेस. यू गिव योर कॉन्शियसनेस टू मी. Just think of me. I will take you out from the cycle of birth and death. This is an important verse. Now let's see what Krishna wants from his devotees. Advaishta sarva bhutanam. Now here, please hear this. Very important things Krishna is telling. Very important things Krishna is telling. Don't miss these things. Advaishta sarva bhutanam. My devotee is not envious of anyone. So we should not envy anyone. See, these things Krishna want from us. We should not envy anyone. Hey, usko jana mark mile, kaise mile? He's my enemy. I'll kill him. Right? We have sometimes we have thought like that. Advaishta, we are very envious. Uske kapde itne achhe kaise hai? Humko jalan hoti hai. Hoti ki nahi? Hum kehte na, jal raha hai tu mere se. So Krishna is telling my devotees, they don't bother. Wo kisse jalte nahi. Maitra, they make friendship with everyone. Right? They'll make a friendship with everyone. Karuna, they have Karuna in their heart. When they see that somebody is suffering, they feel very sad. So this is important thing they have to see. That what Krishna wants? Krishna wants us to help everyone. Krishna wants that we also should feel unhappy when we para dukkha dukhi, it is said. When somebody is unhappy, you also should unhappy. Are bahut bura hua yaar iske sath. But there are some people, you know, jab dusre dukhi hote na, wo happy ho jate hain. So they come in the category of rakshasas. Only rakshasas are those who become very happy. भक्त क्या होते हैं, दुश्मन को भी दुख हुआ ना तो उनको दुख होता है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ. एक बार इंद्रदेव ने, एक ऋषि थे जिनका नाम था दधीचि ऋषि, उनका मर्डर कर दिया, उनको मार दिया दधीचि को. मतलब कुछ कारण नहीं था, ऐसे ही इंद्र ने उनको मार दिया. बट समहाउ वी हर्ड डे बिफोर यस्टरडे दैट अश्विनी, इन द 10th चैप्टर, अश्विनी कुमार are like the, you know, vaidyas, right? वो देवों के कौन है, वैद्य है, डॉक्टर है. तो अश्विनी कुमार ने दधीचि ऋषि को ठीक कर दिया, तो ठीक हो गए. और बाद में एक बार की बात है, जब इंद्र ने देखा कि एक राक्षस बहुत पावरफुल हो रहा है, तो उसने पूछा अपने गुरुजी से कि ये राक्षस बहुत पावरफुल है, इसे कैसे मारू. तो उनके गुरुजी ने कहा, आई थिंक बृहस्पति ने कहा, कि आपको दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनकी हड्डियां लाओ, और हड्डियों से इस राक्षस को आप मार पाओगे, हड्डियों से वज्र बनेगा, वज्र से वो राक्षस मर जाएगा. आई थिंक हिज नेम वाज वृत्रासुर. वृत्रासुर को आपने आपको मारना है तो दधीचि मुनि के पास जाओ और उनकी हड्डियां लाओ. नाउ ही केम देयर दधीचि मुनि के पास. अभी इस दधीचि मुनि को उसने पहले मारा था. हाँ, यदि आपको किसने मारा है तो क्या आप उसे माफ कर पाओगे? टेल मी, जैसे आपको किसी ने ऐसा मारा है,
आपको कितना बुरा लगता है, और इसने मुझे मारा कैसे, आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, इसने मारा कैसे मुझे। आपको कोई गाली भी देता है ना तो आप एकदम आग बबूले हो जाते हैं, कैसे उसने मुझे गाली दी, मैं पता हूं कौन है, कोई कौन हूं। पर तो दधीच ने कहा, बोलो इंदिरा क्या काम है। इंदिरा ने कहा, मुझे आपकी हड्डियां चाहिए, मुझे आपकी हड्डियां चाहिए, क्योंकि मुझे हड्डियों से वज्र बनाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग है। तो दधीच ने कहा, ठीक है, इससे आपका फायदा हो रहा है ना, तो लेके जाओ। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ डिवोटी। वो ये नहीं सोचता कि इसने मेरे साथ पहले बुरा किया था ना, इसलिए मैं उसको मदद नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगी, नहीं, सबकी मदद करनी है। निर्ममो, निर्ममो मतलब इज नॉट अटैच्ड, ममता नहीं रखता वो, किसी से आसक्त नहीं होता, इज नॉट अटैच्ड, बिकॉज यू नो कि एक बार मैं किसी चीज से अटैच हो गया ना, मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि भरत महाराज उस डियर से, उस हिरन से एकदम अटैच हो गए, he became so attached, right? I hope you remember that story. He became so attached. So that's why he is not attached at all. Not attached at all. Nirahankar, he don't have any ahankar. अहंकार का मतलब क्या होता है पता है क्या? अहंकार मतलब सोचना कि मैं कितना ग्रेट हूँ, आई एम सो ग्रेट। पर वो सोचता है नहीं, मैं भगवान का साधारण भक्त हूँ। समा दुख सुख क्षमी, ही इज इक्वल इन द हैप्पीनेस एज वेल एज द सैडनेस। वैसे नहीं करता, hey, यार सुख है, एंजॉय, लेट्स एंजॉय, और दुख है तो बहुत, आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। नो इज नॉट लाइक दैट। ही इज सुख दुख, समा सुख दुख, ही इज इक्वल। क्षमी, क्षमी मीन्स ही इज ऑलवेज फॉरगिविंग, माफ कर दो। संतुष्ट, ही इज ऑलवेज सैटिस्फाइड, ही इज नॉट हैंगरिंग, है ये भी चाहिए, वो 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 भी लाओ, वो भी लाओ। संतुष्ट। सततम योगी, इज योग, योग सततम योगी, संतुष्ट सततम, इज ऑलवेज सैटिस्फाइड एंड ही इज अ योगी। And we saw the meaning of yogi, that he is always in connection with Krishna. Yatatma dhrudanishyayah, he is very dhrudanishyay. Unhone dhrudanishyay kiya hai. Dhrudanishyay ka matlab hota hai promise. He has taken some vows. Right? He is very determined. Ki ye karna hai, matlab ye karna hi hai. Jaise Dhruva Maharaj ka humne example dekha. Dhruva was such a young man, young boy. And he decided, nahi, mujhe Bhagwan ki prapti karni hai, to karni hai. So many obstacles were there, but still he surpassed those obstacles. Similarly, Krishna is saying, my devotees are determined, very determined. वो बोलते हैं कि मैं, उन्होंने कुछ वाव लिया ना तो करके ही दिखाते हैं। मैया अर्पिता मनो बुद्धि, मैया अर्पिता, अर्पिता का मतलब होता है जिसने अर्पण किया है, मेरे को, मेरे भक्तों ने उनकी, उनका जो मन है और उनकी जो बुद्धि है मुझे अर्पण कर दी है। ऐसे भक्त मद भक्ता स मैं प्रिय। तो आप में से कितने जनों को ऐसा लगता है कि कृष्ण भी हमसे प्रेम करे, हम भी कृष्ण के प्रिय हो जाए, कृष्ण भी हमारा स्मरण करे? किन, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो जाए? हाँ, ओके, सुपर। सो इफ यू डू दिस थिंग्स, कृष्ण विल स्टार्ट लविंग यू। आई विल टेल यू वन स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी, दिस इज रिगार्डिंग करुणा, राइट? So this is regarding Karuna. There was one saint, his name was Sant Namdev, right? And Namdev Maharaj was eating, right? He was eating, roti, okay? And that time there came a dog. Dog was hungry. So Namdev Maharaj was eating in his farm, right? Kha rahe the, wo kutta aaya, aur roti leke bhaag gaya. Roti leke bhaag gaya. Aur Namdev Maharaj ne kya kiya? Namdev Maharaj uske piche piche bhaag rahe the. Unko roti chahiye thi? नहीं, उनको रोटी नहीं चाहिए थी। वो कुत्ते से कह रहे थे, रुक जा रुक जा, उस चपाती को घी तो लगाने दे, रोटी खाली कैसे खाएगा, घी लगा के रोटी खा। सो दिस इज अ सेंट। सेंट डज नॉट बॉदर कि अरे उसने मेरा चोरी किया, नो, ही इज थिंकिंग अबाउट डॉग, कि कुत्ता कैसे खा पाएगा बिना, वैसे कुत्तों को जरूरत नहीं होता घी का वगैरह, वो तो ऐसे ही खा लेते हैं, राइट? उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होता है, राइट? तो उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती।
परंतु उन्होंने सोचा नहीं उसको जरूरत पड़ेगी, तो उसके पीछे वो घी लेके भाग रहे, आप देख सकते हैं, घी खा जा, घी ले, थोड़ा घी ले, थोड़ा घी ले, दैट इज करुणा। दूसरों की, दूसरे जीवों के प्रति भी हमें यू नो यदि हेल्प करने का मन कर रहा है वो है करुणा। एंड नाउ यू कैन सी दैट सो मेनी पीपल आर देयर, दे आर जस्ट चीटिंग, राइट? यू सी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे जस्ट वांट टू लूट पीपल, दे जस्ट वांट टू टेक मनी फ्रॉम अदर्स, राइट? दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। फ्यू डेज अगो आई वाज जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़ वाज सो डेंजरस दैट देयर वर यू नो गैंग ऑफ पीपल एंड दैट व्हाट दे वर डूइंग यू नो इन द मेडिसिन they were mixing the salt water. So what they were doing, there was a medicine, they would take the original medicine and then they fill the salt water in the medicine, and that medicine they would sell for 40,000 rupees, right? And then they would tell, oh, this medicine works for corona, you take this medicine. Such a cheapness. Kitana dangerous hai ye. So will Krishna love these people? Just tell me. Will Krishna love these people? No, not at all. Because Krishna says, sarva bhuta hite rata. Aap kiska nuksan nahi karoge. Promise karo mujhe, aap kiska nuksan nahi karoge. Aap sabse prem karoge. Right? To Krishna kahin pe bhi nahi keh rahe ki aap just baithe raho aur mera bhajan karo. No, aapko sabki seva bhi karni hai. Aapko sabki help bhi karni hai. Yadi aap nahi karoge to kuch fayda nahi uska. Us sari cheezon ka. To pehle aapko तो भक्ति का एक लक्षण है कि आप सबकी सेवा करेंगे, राइट? आपकी सब, आप सबकी मदद करेंगे, राइट? दिस इज अमेजिंग स्टोरी, दिस इज अगेन रिगार्डिंग करुणा। सो वंस वन साधु वाज यू नो ही वाज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर एंड ही सॉ अमेजिंग थिंग, देयर वाज वन स्कॉर्पियन, बिच्छू, राइट? आपने देखा है बिच्छू? कितने लोगों ने देखा है बिच्छू, स्कॉर्पियन? इट्स वेरी 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 पॉइसनस। इफ बिच्छू बाइट्स यू ना, इट्स अनबेरेबल पेन, आई टेल यू, राइट? एंड इन द विलेजेस इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली इन द कोकन एंड ऑल दिस रीजन, वेरी कॉमन थिंग, बिच्छूज आर देयर, स्कॉर्पियंस आर देयर, राइट? I had seen, you know, I had gone to some village and, you know, with me, there was one man who was quite healthy man. He was, it seemed that he was from some bodybuilding. He was some gym trainer or something like that. I don't know exactly. So he was quite a hefty body he had. And we were sitting on the chair. We had removed our all the shoes outside, right? And then our meeting was over and we were leaving. So that time, this person just put his feet in his shoes, right? And he just shouted, "Bachao!" We all started seeing what happened. And he was shouting, "Bachao, bachao!" He started crying. Can you imagine? He was such a healthy fellow. And he just crying like a baby, and we didn't realize that kya hua hai. Then somebody realized ki bichu ghusa hai iske shoes mein, to humne uska shoes nikala, and the bichu, the scorpion, was stinging, was biting his leg, and somehow we killed that bichu, but still that person was shouting bachao bachao bachao. And then we took immediately him to the doctor, and you won't believe me, but for 12 hours he was just, you know, he was just crying in the pain. For 12 hours, he was crying in the pain. Throughout the night, he could not sleep. Just shouting, "Oh my God, ay, bachao," like that. It's so, poisonous as well as very painful when the bichu bites you. So this sadhu saw amazing thing that there was one bichu, that there was one scorpion, and he is drowning in that water. That river. So he thought, let's save that bichu. So what he did, you know, he just usne us bichu ko pakad liya
और उसको नदी किनारे छोड़ दिया. बट जब नदी किनारे छोड़ रहे थे, when he was living in on the banks of the river, that time that scorpion just bit him. And Sadhu said, "Bachao!" But then still he tolerated that pain. But he was happy कि मैंने उस बिच्छू को बचाया, क्योंकि बिच्छू को पानी में तैरना नहीं आता, ठीक है, वो डूब जाता है, ठीक है. तो साधु का प्रयास था कि उसको मैं बचा लूँ. So he was saving that bichu. But when he was again taking a bath, he saw that scorpion again in the water. He was drowning in the water. Then Sadhu felt so sorry. Again he went, he holded that bichu, and again he was about to leave him, about to put him on the ground. That time again that scorpion bit him. Then Sadhu again shouted, "Bachao!" But then he again tolerated. He again started taking a bath. The third time, bichu came in the water. He was drowning. And Sadhu again came, same Sadhu came, he lifted that bichu and he was again about to keep that bichu on the ground. Again, bichu caught him. Shouted, "Bachao!" Then the other person was seeing this. He said, "Why the hell you are trying to save that bichu? Why the hell you are trying to save that scorpion? He is biting you again and again. Why you are trying? Let him die, yaar. Let him die." Then Sadhu said, "If he is not giving up his nature of biting, it's the nature. He is not biting me out of his animosity towards me. Uska mere se dushmani hai kya us bichhu ka? Isliye wo kaat raha hai mujhe? Nahi, uska wo swabhav hai kaatna sabko. Right? Uska wo swabhav hai. Isi prakar se mera bhi swabhav hai sabki madad karna. Aur jab tak bichhu bachega nahi, tab tak main uski madad karte rahunga. So if the bichu, if the scorpion cannot give up his nature of biting, how can I give up my nature of service to others?" Amazing story, isn't it? So he didn't bother ki koi mujhe kaat raha hai. No, my nature is to serve others. If bichu cannot give up his nature, I will also not give up my nature. I will not give up my swabhav of helping others. Now I think it's 9:13. Let's continue for 5 more minutes and then we'll have question and answer. This is very important. Yasmano dvijate luko lukano dvijate ichayah harshavarshabayo udvai muktoya sachame priyah. Yasmano dvijate luka, jo dusro ko pareshan nahi karta. Luka na dvijate ichayah, dusro se pareshan nahi hota. तो हमको दूसरों को परेशान नहीं करना है. मेनी पीपल दैट टेक अ प्लेजर इन ट्रबलिंग अदर्स. कुछ तो जूता छुपा देंगे, कुछ तो पेंसिल चुरा लेंगे, इरेजर चुरा लेंगे, कुछ तो करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो. अरे बहुत मजा आता है. कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है कि अरे हाँ उसके ना ऐसे ऐसे करना है. बहुत मजा आता है उनको दूसरों को दुखी देखने में. कृष्ण कहते हैं ऐसे मत करो, दूसरों को दुख मत दो. एंड व्हाट कृष्ण इज टेलिंग, that loka no dvijate chayah, and who is not disturbed by others. Aur mera bhakt kaisa hota hai ki jo dusre usko kitna bhi disturb karenge na, wo panic nahi hota. Right? Jaise hum sochte na, ye mere sath aisa kyu kar raha hai, ye mere sath aisa kyu kar raha hai, hum rone lag jate hain. Krishna se kehte hain, don't worry, kuch nahi hone wala, panic mat hona. Right? Loka na dvijate chayah, pareshan mat hona. हर्षा भयो उद्वै गई. He's very equipoised in happiness and distress. See, this thing is coming so many times in a Bhagavad Gita. Become equipoised. Don't say it happens that one day we are so happy, other day we are so distressed. So saying, no, in the happiness or in the distress, be equipoised. Keep your mind in an equilibrium, right? And that person is very dear to me. So we'll study this story of Lord Shiva later. Anapeksha shuchir daksha udasina gatavyatha sarvarambha parityagi yome bhakta same priya. So you can see that so many times Krishna is telling same priya. That means if you want to make me happy, if you want to become very dear to me, you follow these words. अनपेक्षा मतलब ही डजंट अपेक्षा ही नहीं करता किसी से कुछ.
कि हाँ ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, हाँ ये मुझे ये देगा, नहीं. अनपेक्षा शुचि, शुचि मीन्स ही इज वेरी प्योर, हिज बॉडी इज ऑल्सो प्योर, हिज माइंड इज ऑल्सो प्योर, राइट. सो दैट्स वाई टेकिंग बाथ रेगुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन यूर बॉडी इज प्योर यूर माइंड विल रिमेन प्योर, राइट. सो कीप योर बॉडी प्योर by taking bath daily and keep your mind pure by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When we hear this mantra, when we chant this mantra, our mind is gradually purified. Cheto darpan marjanam bhav mahadavagnirvapanam. Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto darpan marjanam. Our mind is like a mirror. Our mind is like a mirror. So when we chant the Mahamantra, the mirror is clean. The mirror is clean. Ganda mirror hai, to kya aap aapka chehra usme dekh paoge? Not at all. To pehle aap kya karoge? Mirror ko clean karoge. Us prakar se Chaitanya Mahaprabhu keh rahe ki first clean the consciousness and then you will able to see Krishna. Right? Our mind is not pure and mind is not clean and our consciousness is not clean, then how are we able to see Krishna? So that's why he's saying suchi, pure, purity is very important. Daksha, he's very daksha, he's very expert. Udasin ka matlab hota hai, not udas. Just 1 minute, there is some technical error here coming and let me stop video for 1 minute. You can drink water for till that time and just coming in a second. Extremely sorry. Okay, so here he's saying that he's without cares. मतलब इतना कुछ सोचते नहीं, उदासीन रहते. उदासीन, उदासीन का मतलब उदास नहीं, हाँ उदास रहते हैं ऐसे बैठे हुए, उदास नहीं. उदासीन मतलब he's without cares, he's happy within himself. गत व्यथा, उसके जीवन में कुछ भी व्यथा नहीं है. he's free from all the pains. सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्त समय प्रियः. He is not striving for some results. He is very dear to me. 17th, यो नो रिष्यति नो द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति. शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः. यो नो रिष्यति न द्वेष्टि, वो एकदम हैप्पी नहीं होता, अरे वाह 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 ये मिल गया. न द्वेष्टि, क्या हो गया. न शोचती, शोचती का मतलब होता है कि बहुत दुखी है. न कांक्षती, ही नाइदर डिजायर्स. शुभा शुभ परित्यागी, ही रिनाउंसेस बोथ ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस थिंग. उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस थिंग्स में. जो भी हो रहा है वो सोचता है अच्छा हो रहा है. भक्तिमान्य समय प्रिय, दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी. 18 एंड 19, समह शत्रु च मित्रे च, वी डिस्कस दिस दैट ही इज वेरी इक्वल टुवर्ड्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज. तथा मान अपमान योहो, ही डज नॉट थिंक कि अरे ये मेरे को मान दे रहा है और ये मेरा अपमान कर रहा है. नहीं, ही इज वेरी हैप्पी. मान दो नहीं तो अपमान करो, मैं तो चेंज होने वाला नहीं, मैं तो हमेशा भक्ति करते रहूंगा. सो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मान एंड अपमान. बहुत बार हम सोचते ना कि इसने मेरे को मान नहीं दिया, मेरे को अपमान किया. ये जो स्टोरी है पर्टिकुलर मान अपमान का, हम कल पढ़ेंगे, राइट. अभी टाइम नहीं है तो कल पढ़ेंगे हम शिव जी का और दक्ष का स्टोरी और देखेंगे किस प्रकार से शिव जी का अपमान किया गया. बहुत बड़ा अपमान किया गया शिव जी का. सबके सामने शिव जी को गाली दी गई, सबके सामने शिव जी को भला बुरा कहा गया, फिर भी शिव जी ने कहा कुछ भी नहीं कहा. वो जस्ट बिकॉज ही इज डिवोटी ऑफ कृष्ण. तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु, ही इज हैप्पी
in the heat also, he's happy in the cold also. Sukha dukkheshu. He is equal in happiness and sadness. Sangha vivarjita. He is away from association of bad people. Bad sangha. Tulla ninda stutir mauni. Mauni. He does not speak unnecessary. ऐसे बड़बड़ करते नहीं रहता. मौनी है. जो भी रिक्वायर्ड है वही बोलता है. राइट. संतुष्ट है. इज वेरी सैटिस्फाइड. ये इन्हें के नची सब में सैटिस्फाइड है. अनिकेत मतलब उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को घर ही चाहिए. वो कहां पे भी भक्ति कर सकता है. स्थिरमति. हिज बुद्धि इज वेरी फिक्स्ड. भक्तिमान प्रियो नर सच डिवोटी इज वेरी डियर टू मी. तुल्य निंदा. तुल्य निंदा मीन्स कोई उसको गाली देना ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. राइट. तुल्य निंदा या इनफेमी. हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग एसोसिएशन. ऑलवेज साइलेंट एंड सैटिस्फाइड विद एनीथिंग. ओके दिस स्टोरी आल्सो कंटिन्यू टुमारो. ओके नाउ कृष्णा इज कंक्लूडिंग हियर. ही इज सेइंग ये तु धर्मामृतम इदं योतक्तम पर्युपाससे श्रद्धदान मत परमा भक्तास्ते त्वमे प्रियः. हियर कृष्णा के टेलिंग कि जो भी भक्ति करता है वही मुझे प्रिय है. Those who follow the imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with the faith making me supreme goal are very very dear to me. So आप भी भक्ति करेंगे तो आप भी कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे. Let's stop here and let us take some attendance. या सबको चांस मिलेगा. So please show me your face. Harshada and Gitangi and Shriyans and Samartha, Shreesh and Vivan and Paris. Just show me your face. Let's take Samartha, Shriyas, Baki, Vivan, Ishan, Paris, Ashi. So just I'm taking some attendance, right? And on the basis of attendance, we will be giving you certificates, right? So sniffing to, okay. So it will take 1 minute more.